Hello guys, today we are going to discuss ozone depletion. आप जानते ही हैं कि हम लोग इकोलॉजी का अंतिम चैप्टर एनवायरमेंटल इशू पर बात कर रहे हैं. पीछे की वीडियो भी आपने देखा. आज यह पांचवा और अंतिम लेक्चर है. इसमें हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलरली ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर कि स्ट्रेटोस्फीयर क्या है और ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है. खैर, हम आज अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी आपसे शेयर करेंगे क्योंकि यह पांचवा लेक्चर है. आपके अनुसार इसके बाद भी एक लेक्चर और आना चाहिए. वो होगा डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस एंड डिफॉरेस्टेशन. लेकिन इस पर मैं वीडियो नहीं ला रहा हूं. इसलिए वीडियो नहीं ला रहा हूं कि पीछे जितनी मैंने बातें बताई हैं वही बातें वहां पर लिखी हुई है. आप खुद पढ़ सकते हैं लेकिन उन बातों को मैं क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चनायर के रूप में लेके आऊंगा. आपने पूरा आज यह प्लेलिस्ट पूरा होगा तो आप ये देखेंगे कि इसमें जितना बातें आपने पढ़ा तो आपके क्वेश्चन, तो मैं आपको तीन तरह के क्वेश्चन दूंगा. इस साल नीट को मद्देनजर रखते हुए कुछ एसर्शन रीजन का भी सवाल दूंगा, कुछ मल्टीपल चॉइस दूंगा और उस सवाल में मैं डिफॉरेस्टेशन और इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर फोकस करूंगा ताकि आपका क्वेश्चन भी बन जाए और आप उस बात को भी जान लें. तो आज हमारी टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन और ये पांचवा और अंतिम लेक्चर है. पूरी इकोलॉजी हमने आपको 20 वीडियो यानी 20 क्लासेस के अंदर दिया है. मैंने अपने तरफ से चाहा है कि कम से कम टेक्स्ट दे करके, कम से कम बातें आपको बताकर आपको एग्जाम के लिए तैयार कर, बहुत लेंदी नहीं करो. वैसे भी ये एग्जॉस्टिव था, इसमें लिटरेचर काफी था. आप लोग अगर एनसीईआरटी को पढ़े होंगे, अगर एनसीईआरटी के अलावा किसी दूसरे बुक को आप फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातें और एग्जॉस्टिव होगी, बातें लिटरेचर की और बढ़ेंगी क्योंकि इसका जो दायरा है इकोलॉजी का वो वेरी इनॉर्मस, काफी इनॉर्मस. तो आइए आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी की टेक्स्ट पहले ओजोन डिप्लीशन पर क्या कहती है इस बात को हम लोग देखते हैं. ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर. यू हैव अर्लियर स्टडी इन द केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th अबाउट बैड ओजोन form in the lower atmosphere troposphere that harm plants and animal. There is a good ozone also. This ozone is found in the upper part of the atmosphere called the stratosphere. बातें आपने समझी कि दो तरह के ओजोन के लेयर हैं, एक का नाम है गुड ओजोन और दूसरे का नाम है बैड ओजोन. गुड ओजोन अम्ब्रेला के रूप में, ओजोन अम्ब्रेला के रूप में काम करता है. कहां काम करता है? कल जो हम लोगों ने देखा था ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो लोअर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जमा होती है जस्ट उससे ऊपर. आप देखें तो आपके लिए हमने पिक्चर का सहारा लिया है, ये सन है और ये आपका अर्थ है. यहां देखिए, यह एरोप्लेन और क्लाउड दिखा करके मैं ये बता रहा हूं कि इससे ऊपर ओजोन लेयर है. ये डॉटेड बिंदु से ये जो दिखाए हैं ये ओजोन लेयर है. तो सन और पृथ्वी के बीच में ये ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर क्या कर रहा है तो देखिए, यूवी रेस प्रोटेक्टर है. ओजोन लेयर आपके लिए यूवी रेस प्रोटेक्टर है.
यूवी रेज आप समझ रहे हैं और उससे क्यों हार्मफुल है यह भी आप जान रहे हैं। तो यूवी रेज से ओजोन लेयर पृथ्वी को बचाता है। ओके, तो इस फिगर को आप लोगों ने देखा। इसके बाद दूसरी बातें अगर आप हम आते हैं तो ये हम देख रहे हैं कि ये फिगर में देखिए ये अर्थ है। अर्थ से जस्ट ऊपर 10 किलोमीटर की एरिया को आप ट्रोफोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोफोस्फीयर। तो बैड ओजोन कहां बनता है? ट्रोफोस्फीयर में। और जस्ट उससे ऊपर 10 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। और इस स्ट्रेटोस्फीयर में यह व्हाइट कलर की जो पट्टी दिख रही है यह है आपका ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन से ये आप कहते हैं ओजोन होल। तो ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन के परत का पतला होना। ओजोन की परत अगर पतली होगी उसे ही हम ओजोन होल कहते हैं। ये देखा गया है पृथ्वी पर जाड़े के दिनों में ये पतली हो जाती है और गर्मी के दिनों में मोटी हो जा रही है, वो भी कहां? पोलर रीजन। इसके लिए हमने इस फिगर को लिया है। ये आपके मूल टेक्स्ट की फिगर है, आपके किताब में इतनी साफ फिगर नहीं है, लेकिन आप देखें कि ओजोन होल इन द एरिया अबव अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका रीजन पर देखिए ये ओजोन होल बना हुआ है, शोन इन पर्पल कलर, जो पर्पल कलर से दिख रहा है। Where the ozone layer is the thinnest, वही बात बोले, ये नहीं खत्म हो जाता है, thinnest. Ozone thickness is given in depths and unit. See carefully the scale shown in color violet to rest. The ozone hole over Antarctica develop each year between late August and early October. ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमने यहां इसको फोकस किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एंड इट एक्ट एज ए शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। यूवी रेज आर हाईली इंजूरियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस डीएनए प्रोटीन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म preferentially absorb UV rays and it high energy break the chemical bond within these molecules. You must be keep in your mind what will be happen if your DNA will be break down and protein will be break down, because all of you are student of the biology and the molecular biology. So the reason behind that ke how and why ozone ओजोन लेयर प्रोटेक्ट यू योर सेल्फ ऑल्सो नो अबाउट द सेंटेंसेस हमारा राइट। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन ए कॉलम ऑफ द एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर इज अ मेजर इन द टर्म ऑफ डॉट्स एंड यूनिट डी यू। इसकी थिकनेस, तो इसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो आपने बातें हमारी समझी, सारी बातें आपने समझा कि यूवी प्रोटेक्टर ओजोन क्या है, तो यूवी प्रोटेक्टर है। अब यह ओजोन अगर यूवी प्रोटेक्टर है और यूवी प्रोटेक्ट नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट रेज अगर आप पर गिरेगा, पृथ्वी पर आएगा, तो ह्यूमन एंड अदर बायोटिक ऑर्गेनिज्म बायोटा लाइक द फ्लोरा एंड फाना ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट ऑल्सो अफेक्टेड। अब यह ओजोन क्या करता है? जब डीएनए को अगर ये तोड़ेगा, डीएनए पर हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट देगा, तो डीएनए म्यूटेट करेगा। इन रिलेशन ऑफ द म्यूटेशन सो मेनी काइंड ऑफ द डिजीज एरोज विद इन द ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग ऑल द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। द वेरी प्रोनाउंस्ड डिजीज इन द केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग लाइक द स्किन कैंसर कैटरेक्ट द इफेक्ट अपॉन द आई एंड स्किन इज द वेरी प्रोमिनेंट। ओके माय डियर पीपल कीप इन योर माइंड कि ओजोन डिप्लीशन वही इंजूरियस फॉर यू।
पूरी संरचना आपको मैं दिखा रहा हूं। यह पृथ्वी है, पृथ्वी से जस्ट बगल में ट्रोपोस्फीयर, उससे ऊपर ओजोन का लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर के लेयर को कहते हैं मेजोस्फीयर, मेजोस्फीयर के ऊपर के लेयर को कहते हैं थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर से ऊपर के लेयर को कहते हैं एक्सोस्फीयर। अब मैं समझता हूं कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अर्थ की जो गैसेस इनवेलप है, उस इनवेलप में देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला क्या है ट्रोपोस्फीयर, और दूसरा क्या है स्ट्रेटोस्फीयर, दोनों का जंक्शन क्या है ओजोन। थिकनेस कितने है 20 to 30 किलोमीटर। ओके, ओजोन गैस इज कंटिन्यूअसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज ऑन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ऑल्सो डिग्रेडेड इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द ओजोन इन दिस स्ट्रेटोस्फीयर। ऑफ लेट द बैलेंस हैज बीन डिसरप्टेड ड्यू टू द एनहांसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन By the क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी। याद करें पिछले लेक्चर को, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउसेज, उसमें यह भी एक कंपोनेंट था सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वहां पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या कंसिक्वेंस दिया था, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। और आज ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है, ओजोन को डिप्लीट करा रहा है, ओजोन को ऑक्सीजन में बदल रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। In 1980, atmospheric scientist in Antarctica reported about the depletion of ozone layer. In summer season, NO2 and methane react with the chlorine monoxide and chlorine atom form the chloride sink, preventing much ozone depletion. इसीलिए मैंने कहा था कि जाड़े के दिन में थिन हो जाता है, ये गर्मी के दिन में क्लोरीन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। In winter season, a stratospheric cloud form providing surface on which the chlorine nitrate and get hydrolyzed to form the hypochlorous acid which react with the hydrogen chloride to form the molecular chlorine. ye molecular chlorine ka banna bahut hi ghatak hai, equation ke roop mein humne dikhaya hai, yahan aap dekh rahe hain ki last mein aakar ke kya ban raha hai molecular chlorine। जब क्लोरीन मोनोऑक्साइड CNO गैस जब NO2 के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है, फिर Cl मीथेन के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है, और फिर ये वाटर के साथ मिल रहा है तो क्या बना रहा है नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, और फिर ये जब HCl के साथ मिल रहा है तो क्या बना दे रहा है Cl गैस और HM। अब ये Cl गैस जो बन जाता है यह क्या करता है, क्लोरीन कैटालिटिक साइकिल चलाता है। देखिए क्लोरीन कैटालिटिक साइकिल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये क्लोरीन से रिएक्शन जब ये किया तो इसको किस में? ये क्या किया कि मोनो एटॉमिक नेसेंट ऑक्सीजन CLO के साथ मिलकर के ऑक्सीजन बना दिया, और फिर Cl रिमूव हो गया। ये Cl क्या किया O3 के साथ, देखिए यहां रिएक्ट किया, इधर से ओजोन लिया और O3 के साथ आकर के फिर CLO बनाया। यह CLO फिर क्या किया, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ बना दिया क्या ऑक्सीजन O2। तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि ओजोन जो है ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। ओजोन क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना दे रहा है। तो ओजोन जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में बदल जाएगा तो ओजोन की थिकनेस कम होगी। यह सेंट्रल व्यू है। डिप्लीशन हाउ इट ऑकर, ओजोन डिप्लीशन मेनली ऑकर बाई क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और आप नहीं जानते ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड मैंने इसमें फ्लोरीन मैंने हाइलोजन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो डॉट दिया हुआ है यहां पर Cl पर, दिस डॉट इज कॉमन नोटेशन टू इंडिकेट
that this species have an unpaired electron and thus are extremely reactive. इस बात को बताने वाले सेरा एंड बबर जो नोबेल प्राइज पाए थे ओजोन डेप्लीशन के रिएक्शन, उन्होंने बताया था कि यह कारण इसलिए काम हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन. आए ये ओजोन का डेप्लीशन हो रहा है, लेकिन ओजोन डिप्लीटिंग ये तो आपने देखा केमिकल्स देखा, लेकिन ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस जो आज आप रोज यूज करते हैं, ह्यूमन यूज करता है, ह्यूमन उसको बढ़ा रहा है, वो कौन है? सोर्स ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस, सॉल्वेंट क्लीनिंग प्रोडक्ट, स्टेबलाइजर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एजेंट, होम प्रोडक्ट्स, एयरोसोल, अदर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हैलोजन. क्या ये सारी चीजें, कल इस पर बात भी हो रही थी हमारी, पिछले वीडियो में हमने ये पर बात भी किया था. तो आप देख रहे हैं कि ये सारे एरोसोल, होम प्रोडक्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर पर ही हमने बात किया था, ये सारे सोर्सेस सबसे ज्यादा कौन है? एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर. अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे. क्लोरोफ्लोरोकार्बन फाइंड वाइड यूज एज रेफ्रिजरेंट्स, सीएफसी डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर मूव अपवर्ड द रीच स्ट्रेटोस्फीयर. इन स्ट्रेटोस्फीयर द यूवी रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग सीएल एटम, शील डिग्रेडेट ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विच एटम एक्टिंग मेयरली एज ए कैटलिस्ट एंड द सीएल एटम आर नॉट कंज्यूम इन दिस रिएक्शन. Hence, whatever the chlorofluorocarbon are added to the stratosphere, they have permanent and continuous effect on ozone. इस बात को क्या मैं समझाऊं? पीछे में यही सारी बातें हमने आपको कहा. अब ये देखिए, और भी बात को क्लियर कर दूं. ये सन है, यहां से अल्ट्रा वायलेट रे आ रहे हैं, तो देख रहे हैं अल्ट्रा वायलेट यूवी ए और यूवी बी. वैसे तो ये तीन तरह के हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी. यहां देख रहे हैं आप यूवी बी और यूवी ए. यूवी बी को बहुत हद तक ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, माइनर. यूवी ए जो है लेयर, यूवी ए जो है वो पृथ्वी पर आ रहा है. अब कहते हैं कि ओजोन डिप्लीटिंग, यही ओजोन का लेयर है और ये स्ट्रेटोस्फीयर. ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स तो सीएफसी एरोसोल रेफ्रिजरेंट एंड सॉल्वेंट, एचएफसी हाइड्रोकार्बन मिला है एरोसोल रेफ्रिजरेंट्स एंड सॉल्वेंट्स. अब ये क्या करते हैं? पहला तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन के साथ क्या फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, इसका एक क्लोरीन टूट रहा है, पहला स्टेप. और ये क्लोरीन क्या है देखिए, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये क्या बना दे रहा है, सीएलओ. और इधर क्या हो रहा है, ओ टू. सिंपल सी बात समझ में आई. अल्ट्रावायलेट रे स्प्लिट ए क्लोरीन एटम अवे फ्रॉम सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल. सेकेंड, द क्लोरीन ब्रेक एटम ब्रेक अपॉन अप एन ओजोन मॉलिक्यूल मेकिंग ए होल इन द ओजोन लेयर थिनिंग द मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. फिर ये क्या करेगा, फिर इसका क्लोरीन बाहर होगा और ये क्लोरीन क्या करेगा, फिर इसको तोड़ेगा, जो साइकिल आपने देखा था क्लोरीन कैटालिटिक साइकिल. तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसकी बेसिक मैकेनिज्म क्या है और किस प्रकार ये डिप्लीशन हो रहा है. ऑल्दो इज ओजोन डिप्लीशन ऑकरिंग वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फीयर, द डिप्लीशन इज अ पार्शियली मार्क ओवर द अंटार्कटिका रीजन. दिस हैज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज एरिया थीनेस्ट ओजोन लेयर या थीन्ड ओजोन लेयर. एंड दिस थीन्ड ओजोन लेयर कॉमनली कॉल्ड एज ओजोन होल. आप देखिए, ये ओजोन होल इसी तरह का थीनिंग हुआ है और ये किस तरह बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है. फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल, ये नासा का लिया हुआ पिक्चर है, तो देखिए
शुरुआत के दिनों में आज से 40 साल पहले से ये धीरे 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 देख रहे प्रोग्रेसिव। यही कारण है कि हम लोग बार बार चाह रहे हैं कि सीएफसी के इमिशन को रिड्यूस करें, कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को रिड्यूस करें, मीथेन के इमिशन को रिड्यूस करें। एनवायरमेंटल इश्यू वास्तव में आपके चैप्टर का मतलब यह है कि क्या है आज की ज्वलंत मुद्दा इस वातावरण और पर्यावरण की। तो यह सबसे ज्वलंत मुद्दा है ओजोन डेप्लीशन। लिखा हुआ है डार्केस्ट ब्लू एरिया रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ द मैक्सिमम ओजोन डेप्लीशन। डार्केस्ट ब्लू एरिया आप देख रहे हैं, यहां उतना प्रोमिनेंट नहीं है, यहां से प्रोमिनेंट होना शुरू हुआ और यह बढ़ना शुरू हुआ। यह हमारे लिए सीरियस है। हाँ, अभी छब में यह है कि यह काम पोल पर हो रहा है, पोलर रीजन में हो रहा है। यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय अर्थ एटमॉस्फेयर गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट बट यूवी बी डैमेज डीएनए म्यूटेशन में होकर। कहता है कि जब तक वो इंटैक्ट है, तो देखिए यहां पीछे भी कहा था अल्ट्रा वायलेट रेस यूबीसी यूबीबी यूबीए इनका वेवलेंथ के साथ। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये शॉर्टर वेवलेंथ को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। यूबीबी आपके पृथ्वी पर आ रहा है, वो भी बहुत हद तक एब्जॉर्ब हो रहा है, ये आ रहे हैं। अगर इसकी थीनिंग करेंगे तो ये और ज्यादा कंसंट्रेशन में आए और ज्यादा आएंगे। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है, तो अब ये जो यूवी रेज है अगर पृथ्वी पर आता है तो किस प्रकार प्रॉब्लम कर रहा है। यूवी बी डैमेज डीएनए एंड म्यूटेशन में आकर, पहले समझ चुके, इट कॉज एजिंग ऑफ स्किन, स्किन का बुरा होना, डैमेज टू स्किन सेल एंड द वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर इन ह्यूमन आई, कॉर्निया एब्जॉर्ब यूवी बी रेडिएशन एंड हाई डोज ऑफ यूवी बी कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट। Such exposure may be permanently damage the cornea. Clear? तो आप देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। अब आइए मनुष्य के अलावा और जगहों में क्या इफेक्ट हो सकता है। वुमन हेल्थ पर क्या होगा, मेन कंसर्न इन द इंक्रीज ऑफ लेवल ऑफ यूवी रेडिएशन एंड द लिंक टू द स्किन कैंसर। It is also connected to the eye damage where the cornea, retina and lens may be damaged. In severe case, cataract form. Vegetation inhibits photosynthesis in plants and increase likelihood of disease. Some evidence is contradictory. Global warming. Large amount of UV radiation can kill plankton found in ocean. Which absorb carbon dioxide, thus increasing the rate of global warming. Very important, very important. Other effect, place a stress on the marine ecosystem, reduce the strength of the world in plastic products. Reduce the strength of wood and plastic products. How can, अब आप कैसे ओजोन डिप्लीशन को रोक सकते हैं? Five way to protecting ozone layer, limit private vehicle driving, use eco-friendly household cleaning products, avoid using pesticide, developing astringent regulation for rocket launcher, ban the use of dangerous nitrous oxide. ये सारे सेफ्टी मेजर जैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। Recognizing the deleterious effect of ozone depletion
एन इंटरनेशनल ट्रीटी संधि नोन एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइन इन मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1987 एंड इफेक्टिव इन 1989। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को देखें। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सबस्टांसिस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इज इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूमरस सबस्टांस बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। क्लियर हो गया कि ओजोन डिप्लीशन में जो सहायक है जो पदार्थ उनकी इमिशन पर पाबंदी लगाया जाए, फेज वाइज धीरे धीरे उनको रिड्यूस किया जाए। द ट्रीटी वॉज ओपन इन ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन सेप्टेंबर 16 एंड एंटर इन टू द फोर्स ऑन जनवरी 1, 1989 फॉलोड बाई द फर्स्ट मीटिंग इन हेलसिंकी मे 1989। Since then, it has undergone 7 revision. In 1990, London; 1991, Nairobi; 1992, Copenhagen; 1993, Bangkok; 1995, Vienna; 1997, Montreal; and 1990, Beijing. बार बार इसमें amendment हुआ कि किस किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए, सुधार हुआ, नई नई बातें जोड़ी गई। इट इज बिलीव दैट इफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज एडहेयर टू ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड बाय 2050। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया तो यह हो सकता है कि भविष्य में 2050 में ये ओजोन होल रिकवर हो जाए, ओजोन होल का प्रोग्रेस रुक जाए और वो खत्म हो जाए। Subsequently, many more effect has been made and protocol have laid down definite roadmap separately for the development and developed and developing country for reducing the emission CFC and the other ozone depleting chemicals. The Montreal Protocol समझा? जब आपने Montreal Protocol समझा, तो Montreal Protocol के साथ साथ Kyoto Protocol भी जान ले। कि what is the Kyoto Protocol? It is the first legally binding treaty aimed to the cutting emission of the main greenhouse gases believed to contribute the global warming. The Kyoto Protocol उन गैसों के emission को रोकने के लिए बनाया गया जो खासकर global warming को बढ़ावा देते हैं। More than 150 nations signed in the back December in 1997 at the meeting in Kyoto. तो आप देख रहे हैं कि ये बीजिंग में जब तक हुआ, उसी 97 में जब मॉन्ट्रियल में हो रहा था तो क्वेटो में भी एक संधि हुई। बट दे लेफ्ट मच टू बी डिटेल अबाउट हाउ इट वुड बी इंप्लीमेंटेड टू द फ्यूचर टास्क। दिस ड्रेस ऑन रीचिंग द क्राइसिस इन द ह्यू इन नवंबर 2000 व्हेन द यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन फेल्ड टू एग्री एंड टॉक ब्रोकन डाउन। जॉर्ज बी W. Bush was installed a president soon afterward. The announced that he was pulling the U.S. out of the deal altogether. Since the U.S. is the source of the quarter of emission of greenhouse gases, that was a big blow. But the other nation decided to carry on and finally reach agreement in मार्केस इन नवंबर 2001। तो आपने देखा क्योटो प्रोटोकॉल को भी, तो क्योटो प्रोटोकॉल से अमेरिका के हटने से क्या अंतर पड़ता है? बाकी सारी कंट्री इसके साथ हैं। और आज के दृश्य में आज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ज्यादा हम लोग प्रभावित हैं या ज्यादा हम लोग फॉलो करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। In 1987, Montreal Protocol restricting the use of ozone-depleting substance has helped both reduce global warming and protect the ozone layer. The benefit to the climate achieved by the Montreal Protocol alone at present greatly exceed to integral target of the Kyoto Protocol. The effect of the Montreal Protocol on climate will
become smaller in the future, while the emission reduction after 2012 under the Kyoto Protocol will potentially have much larger effect on climate. तो आज के डेट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ज्यादा प्रभावी है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केवल सीएफसी या ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस के इमिशन पर रोक लगाती है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल दोनों एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग एंड रिलेशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन, इसलिए आज ज्यादा हद तक प्रभावी है क्योटो प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आपने अच्छे से समझा। एट लास्ट कंक्लूजन, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द ग्रेट सक्सेस स्टोरी ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रोटेक्शन पॉलिसी। साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर हैव रेगुलेट द ड्यूअल प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड द क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ द अंटार्कटिका हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ओजोन डिप्लीशन। फ्यूचर चेंज विल बी रिफ्लेक्ट बोथ ओजोन रिकवरी एंड जीएचजी वार्मिंग। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस वार्मिंग। तो आपने दोनों बातें जानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसके साथ जाना ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ओजोन डिप्लीशन क्या है। तो सारी बातें एक साथ है। आइए पूर्व की भांति जब जब हम लोगों ने लास्ट में अपना एक समरी दिया है तो आज हम लोग ये देखेंगे कि ओजोन डिप्लीशन का कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। सन स्पॉट, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड, वॉल्केनिक इरप्शन, सीएफसी गैसेस, हैलोंस, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में हैलोंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। क्यों भाई ह्यूमन बिहेवियर? आप जो है सो पुराने ढंग की एसी, रद्दी एसी खरीद लेते हैं, चला रहे हैं, कौन चेक करने आपको आएगा? जो नई एसिया हैं जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं है, वो मांगी है तो आप नहीं खरीद रहे। फ्रिज आपके घरों में पड़ा हुआ है, कौन सा कारण है? तो इस तरह वर्ल्ड में अभी भी इस तरह की सोच के लोग हैं जो कहते हैं हमारे एक तो फ्रिज चलाने से और हमारे एक सीएफसी रिलीज करने से क्या होगा। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, मनुष्य की सोच। इफेक्ट, इंक्रीज लेवल ऑफ यूवी रेडिएशन, कार्सिनोमा कैंसर का टाइप है, मेलानोमा कैंसर का टाइप है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, इंक्रीज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, इंक्रीज विटामिन डी प्रोडक्शन, चेंज इन बायोजियोकेमिकल साइकिल, इफेक्ट ऑन मैरन लाइफ, ऑन एनिमल, ऑन प्लांट्स, ऑन क्रॉप, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट। बट एंड ऑफ द सॉल्यूशन, द स्विच फ्रॉम द कार टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये होने वाला है, संभव है। आप लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बनिया के, अरे हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों चलेंगे, तीन वो कार रखेंगे, एक छोटा क्लिनिक जाने के लिए, एक दूसरा कहीं घूमने फिरने के लिए, और उससे भी एक बड़ा फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं। और यहां हम चाह रहे हैं, हम यानी इकोलॉजिस्ट चाह रहे हैं, विश्व चाह रहा है कि आपके सेफ्टी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना। इसी का कारण है कि हर शहरों में मेट्रो का निर्माण होना, छोटी छोटी गाड़ियां टेम्पो जो डीजल पेट्रोल से चलते हैं उनको बंद करना, हवा हवाई को ज्यादा चलाना, बाइसिकल का यूज करना, ये सारी चीजें। लिमिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रिन्यूएबल इंजन एनर्जी का उपयोग करना, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, रिसाइक्लिंग एंड रीयूज, अवॉइड द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अवॉइड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, रिड्यूस सीएफसी, रिड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड, गवर्नमेंट रेगुलेशन,
एजुकेशन एंड कन्विंसिंग अदर। देखा, अब बार बार मैं कह रहा हूं कि भाई हमारे लिए सबसे सरल उपाय है एफॉरेस्टेशन। सबसे सरल उपाय क्या है? एफॉरेस्टेशन, हाल्ट द डिफॉरेस्टेशन। और आपके किताब में ये अगली बात ये लिखी हुई है एफॉरेस्टेशन। आप एफॉरेस्टेशन को पढ़ेंगे और आसानी से उसकी बात समझेंगे। कहीं दिक्कत होगा तो उसमें जितनी भी बातें लिखी हुई है उसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में आपको अगले वीडियो में जो पॉल्यूशन पर क्वेश्चन देने जा रहे हैं उसमें इंक्लूड करेंगे। यह प्लेलिस्ट यही खत्म हुआ। आपकी इकोलॉजी पूरी तरह से आज खत्म हो गई। इसमें जितनी भी बातें अब रही कि आप जितना भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप क्वेश्चन करें, क्योंकि आप लोग केवल पढ़ते हैं क्वेश्चन नहीं बनाते। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब लोग नहीं बनाते, कुछ लोग बनाते हैं। तो मेरा यह कहना है कि अब आप आगे हमसे कम से कम 2 दिन इस क्वेश्चन पर बात करें, ताकि इसकी क्वेश्चन को हम दे करके फिर अगली बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और शायद इकोलॉजी के ज्ञान को पूरा करना या इकोलॉजी पढ़ने का फायदा होना आपको दोनों बातें करती है, वो है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन भी एनसीईआरटी में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो पूरा न्यू तरीके से, मॉडर्न तरीके से, जिस तरह से इकोलॉजी मॉडर्न तरीके से लिखा हुआ है। अगली बात है कि इवोल्यूशन की वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐसा बनाऊं कि एक बार में आप देख जाए। मैं कोशिश करूंगा कि 2 घंटे के अंदर पूरी वीडियो आप देख लें, ताकि के एट द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ड्यू ऑन द वर्ज ऑफ एग्जाम वो आपको काम कर जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि 3 सवाल इवोल्यूशन से पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें 2 बातें हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ से 1 सवाल, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से 1 सवाल, और 1 सवाल ह्यूमन इवोल्यूशन। तो आप देखेंगे मेरा जो कहना है, मेरा जो अनुभव है, उस आधार पर मैं कह रहा हूं आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 3 सवाल उससे आने। इकोलॉजी की है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, 10 से 12 सवाल आते हैं। तो माय डियर पीपल, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, 72 घंटा अगर मेहनत कर देते हैं घर में बैठे हुए हैं, अगर इस प्लेलिस्ट को एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हैं और सवालों को बना लेते हैं, और मैं आगे जो काम करने वाला हूं उसको भी कर दे रहा हूं, तो शायद 15 सवाल आपका निश्चित हो जाता है। तो आप जितना भी पहले से पढ़े हो उसमें ये 15 सवाल का कंट्रीब्यूशन शायद आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना यह लेक्चर खत्म कर रहा हूं।